नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360 न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली के शिवगढ़ रायपुर गांव का वीडियो वायरल हुआ, तो आज शिवगढ़ CSC टीम जांच पड़ताल करने पहुंची। आपको बता दें, टीम ने जब राम लेखावन से बातचीत की तो राम लेखावन ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। आपका राम खिलावन एक प्रकरण चल रहा है, जैसे कि आप जान रहे हैं कि आपने कहा जा रहा है कि आपने एम्बुलेंस को फ़ोन करा, दो घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई है, तो क्या ये सही, आपने एम्बुलेंस को फ़ोन किया था? नहीं, आपने एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं किया था? नहीं। जैसा कि डॉक्टर साहब लोग आए हैं आपके पास, तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब इलाज आपका होगा ठीक? अरे इलाज हुए नहीं तो फिर भाई हम तो कहाँ कराएंगे ना भैया। नहीं तो क्या आपको सरकारी अस्पताल में इलाज सही से नहीं मिलता है क्या? सरकारी अस्पताल में आपको इलाज मिलता है ना, आपका इलाज सरकारी अस्पताल में होता है ना? तो आप वहाँ क्यों नहीं जाते, आप क्यों प्राइवेट में भागते हैं? भाई नहीं हमारा फायदा, भाई तुम मतलब वहाँ से डॉक्टर ने आपको कुछ कहा तो नहीं? डॉक्टर हमका कुछ नहीं कहा। हाँ, जैसा कि प्रकरण चल रहा है कि डॉक्टर ने आपको वहाँ से भगा दिया अस्पताल से, तो ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं भगाया भगाया नहीं ना, हम लोग कैसे कर दे, झूठ कैसे बोल दे जी। वो आपको किसी ने भगाया वहाँ से नहीं है, आपने एम्बुलेंस को फोन भी नहीं किया, थोड़ा ऊपर देखे दादा, तो हम जनते नहीं एम्बुलेंस वाला हाल, तो हम कहाँ कर दे। अच्छा, तो बाकी आपको डॉक्टर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, डॉक्टर के हम कैसे झूठा कर इंतजाम कैसे लगा दे कि डॉक्टर से। ऐसे हमारे बीच में देखिए डॉक्टर साहब हैं, हम इनसे भी थोड़ा जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका क्या नाम है? मैं संदीप वर्मा। तो आपने यहाँ आप कैसे पहुँचे, मतलब कैसे जानकारी आपको मिली? मुझे मेरे कार्यालय से मेरे अधीक्षक ने बताया कि वहाँ इन लोगों को ये ठेलिया पे जा रहे थे जी, फिर पूरी एक मेडिकल, तो उन्होंने भेजा कि जाके इंक्वायरी करें, अधीक्षक ने जी लोगों को, पूरी मेडिकल टीम आई है कि जाके इंक्वायरी करें कौन है भाई, कैसे है, कि एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली, मिली थी कि नहीं मिली थी जी, ठेलिया कहाँ जा रहे थे, वही पता करने आए दादा से मिलने। तो मुलाकात हुई, बातचीत आए हैं लेते हैं फिलहाल। इन्होंने बताया कि हमने एम्बुलेंस को नहीं फोन किया जी, मैं प्राइवेट इलाज करने जा रहा था जी, तो हम लोग संज्ञान में नहीं था, मतलब ये प्राइवेट जा रहे थे जी, बताया गया, तो वही हमसे। ठीक है, धन्यवाद सर।